बार की बात है, सुनील नाम का एक मछुआरा सज्जनगढ़ गांव में अपनी पत्नी सुनीता के साथ रहता था। वो गांव के पास एक नदी से मछलियां पकड़कर बाजार में बेचा करता था, लेकिन वो बड़े मुश्किल से अपने घर का गुजारा किया करता था। कभी कभी तो उसके हाथ एक भी मछली ना आने के कारण उसके पास खाने तक के भी पैसे नहीं होते। इसी कारण सुनील हमेशा चिंता में लगा रहता था। एक दिन ऐसे ही वो नदी से घर लौट रहा था, तभी उसे रास्ते में एक साधु बाबा मिलते हैं। बम बम भोले बालक, मुझे बहुत प्यास लगी है, क्या तुम मुझे एक गिलास पानी पिला सकते हो? जी हाँ बाबा जी, जरूर। सुनील अपने थैले में से पानी की बोतल निकाल के साधु बाबा को पानी पिलाता है। पानी पीने के बाद साधु बाबा सुनील से बहुत खुश हो जाते हैं। उसे कहते हैं, बालक मैं बहुत देर से प्यासा था, तूने मेरी प्यास बुझाई है, मैं तेरे से बहुत खुश हूँ, मांग, मेरे से क्या मांगना चाहेगा? नहीं बाबा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। साधु बाबा एक सिद्ध पुरुष थे, वे लोगों को देखकर उनके मन की बात जान लिया करते थे। वो सुनील को देखकर उसकी सारी मन की बात जान जाते हैं और उसे कहते हैं, ये ले अंगूठी ले, ये एक जादुई अंगूठी है, तुझे जब भी पैसों की जरूरत हो इस अंगूठी से मांग लेना, और हाँ इसे और किसी इंसान के हाथ में मत आने देना। अगर तेरे अलावा ये अंगूठी किसी और के हाथ में आ गई तो वो इंसान एक पत्थर बन जाएगा। सुनील साधु बाबा से अंगूठी ले लेता है और उनके सामने हाथ जोड़कर उन्हें कहता है, धन्यवाद बाबा जी, लेकिन अगर मुझे आपसे मिलना हो तो मैं आपसे कैसे मिलूंगा? आप कहाँ रहते हो? बालक मेरे पास तुझे आने की आवश्यकता नहीं है, तू बस इस अंगूठी को पहनकर मुझे याद कर लेना, मैं तेरे सामने प्रकट हो जाऊंगा। कहते ही साधु बाबा वहाँ से चले जाते हैं और फिर सुनील भी अपने घर आ जाता है। घर आते ही वो सुनीता को आवाज देता है, अजी सुनती हो, जल्दी आओ। सुनीता के आते ही सुनील उसे सारी बातें बता देता है, कैसे उसे रास्ते में साधु बाबा मिले और उन्होंने उसे अंगूठी दे दी, मगर वो पत्थर बनने वाली बात उसे बताना भूल जाता है। इस अंगूठी से थोड़े पैसे मांग के देखो, क्या पता ये अंगूठी काम करती भी है या नहीं। सुनील जैसे ही अंगूठी को पैसे के लिए कहता है, तुरंत उसके सामने पैसे आ जाते हैं। पैसों को देखकर वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। ऐसा फिर वो रोज रोज करने लगे। उन पैसों से सुनील ने बाजार में एक कपड़े की दुकान खोल ली। धीरे धीरे उसकी दुकान पर भी आमदनी अच्छी होने लगी थी और देखते ही देखते उसकी आमदनी इतनी हो गई थी कि उन्होंने अपना एक नया घर भी ले लिया था। उसकी तरक्की देखकर पूरे गांव में चर्चा होने लगी थी। अरे भाई तुम्हें पता है, सुनील तो बहुत बड़ा आदमी बन गया है, उसकी दुकान तो बहुत चलने लगी है, और मैंने तो सुना है हाल ही में उसने अपना एक नया घर भी ले लिया है, लगता है उस पर भगवान की कृपा हो गई है। हाँ भाई, सबकी किस्मत सुनील जैसी कहाँ है, काश भगवान मेरे पर भी ऐसी कृपा करें। सुनील और सुनीता भी बहुत खुश थे। एक दिन रात को सुनील सुनीता से कह रहा था, सुनीता तुम्हें पता है आज मैं जो कुछ भी हूँ उन बाबा की वजह से हूँ, अगर वो बाबा मुझे अंगूठी ना देते तो मैं अपनी खुद की दुकान खोल ही ना पाता, लेकिन अब समय आ गया है ये अंगूठी उन्हें वापस करने का, मैं कल सुबह ही ये अंगूठी उन्हें वापस कर दूंगा। और फिर सुनील अपनी अंगूठी उतार कर बराबर में एक टेबल पर रख देता है और सो जाता है। सुनीता को अंगूठी वापस करने की बात अच्छी नहीं लगी थी, उसके मन में थोड़ी ईर्ष्या आ गई थी। तभी वो अपने मन में सोचती है, हमने तो कभी इस अंगूठी से ज्यादा पैसे लिए ही नहीं, चलो मैं एक आखिरी बार खुद इस अंगूठी को पहनकर ज्यादा पैसे ले लेती हूँ, फिर चाहे सुनील बाबा को अंगूठी वापस कर दे। बस फिर क्या था, सुनील के सोते ही सुनीता जैसे ही उस अंगूठी को पहनती है वो एक पत्थर में बदल जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया,
मैं एक पत्थर में कैसे बदल गई? सुनील उठो, बचाओ मुझे, देखो मुझे क्या हो गया। सुनील उठते ही जैसे ही सुनीता को देखता है वो चौंक जाता है, मगर जैसे ही वो अंगूठी को सुनीता के हाथ में देखता है वो समझ जाता है कि ये सब इस अंगूठी की वजह से हुआ है। वो तुरंत उस अंगूठी को निकालकर अपने हाथ में पहन लेता है और साधु बाबा को याद करता है। तभी उसके सामने साधु बाबा प्रकट हो जाते हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया? बाबा जी मेरी मदद करो, देखो मेरी पत्नी एक पत्थर की बन गई है, उसने गलती से अंगूठी पहन ली थी, मेरी पत्नी से गलती हो गई, इसे माफ कर दो और जल्दी से ठीक कर दो। साधु बाबा फिर अपने लोटे में से जल निकालकर सुनीता पर गिराते हैं और सुनीता ठीक हो जाती है। बस फिर क्या, सुनील और सुनीता बाबा का धन्यवाद करते हैं और उन्हें उनकी अंगूठी वापस कर देते हैं। काजू मंडी गांव एक हाईवे किनारे बसा था। गांव में रहता था रमन। रमन सुशिक्षित और बेरोजगार था, उसके माता पिता तो थे नहीं, पर हाईवे किनारे जमीन का छोटा सा टुकड़ा था। उसमें रमन सब्जियां उगाता और उन्हें बेचकर अपने खर्चे उठाता। रमन सब्जियां बेचने पार्लर वाली के घर जाता था। पार्लर वाली की बेटी रूपा रमन से सब्जियां खरीदती थी। रूपा जवान और काफी खूबसूरत थी, एकदम दूध जैसी गोरी चिट्टी। रमन रूपा को पसंद करता था। और रोज रोज सब्जियां बेचने उसके घर जाता था। अब सिर्फ देखने से मन नहीं भरेगा, मुझे रूपा का हाथ मांगना होगा। दूसरे दिन रमन सब्जी बेचने गया तो पार्लर वाली सब्जी खरीदने आई और मौके का फायदा उठाकर रमन ने बात छेड़ी। आंटी, मैं रूपा से शादी करना चाहता हूँ। ये सुनते ही पार्लर वाली एकदम से भड़क उठी। ओए आलू प्याज की दुकान, जानता है मैं अपनी बेटी को दूध से नहलाती हूँ, सब्जियाँ मैं खाती हूँ और उसे दूध दही पनीर खिलाती हूँ, तू कर पाएगा ये? भिक मंगा कहीं का, चल फूट यहाँ से, दोबारा शक्ल मत दिखाना। ऐसा कहकर पार्लर वाली गुस्से में अंदर चली गई। निराश रमन भी वहाँ से लौटने लगा तो उसके पीछे रूपा खड़ी रो रही थी। क्या तुम भी मुझे गलत समझती हो? ना तुम गलत हो ना मेरी माँ गलत है, मैं माँ का फैसला मानती हूँ। मुझे चाहते हो तो माँ का फैसला बदलो, बड़ी आदमी बनो। ऐसा कहकर रूपा भी चली गई और अस्वस्थ रमन घर चला आया। इसका मतलब रूपा मुझे चाहती है, बस दिक्कत है उसकी माँ। बड़ा आदमी बनने के लिए सब्जियों का व्यापार बढ़ाना होगा और उसके लिए चाहिए पानी। फिर क्या, अपनी सारी जमा पूंजी दांव पर लगाकर रमन हाईवे किनारे अपने खेत में कुआं खुदवाने लगा, लेकिन घोर निराशा मिली। 100 फीट गहराई के बाद भी एक बूंद पानी नहीं मिला और रमन हताश होकर रोने लगा। सारी जमा पूंजी दांव पर लगाई और बदले में क्या मिला, धूल मिट्टी और पत्थर। रमन रो रहा था तभी एक साधु बाबा आए और कहने लगे, रोने से कोई फायदा नहीं, ये जमीन शापित है, पानी की एक बूंद नहीं मिलेगी। ऐसा क्यों? हजारों साल पहले एक ऋषि कमंडलू में दूध लेकर यहाँ तपस्या करने आया था। जैसे ही उसने कमंडलू रखा, कमंडलू गिर गया और सारा दूध जमीन पी गई।
क्रोधित होकर ऋषि ने जमीन को शाप दिया कि ये बूंद बूंद को तरसेगी। पंडित की बात सुनकर दुखी रमन घर चला आया और सो गया। रात को हाईवे से दूध का एक टैंकर गुजर रहा था। अचानक टैंकर पलटी हो गया और सारा दूध हाईवे से बहने लगा। सुबह हुई, रमन हाईवे आया तो उसने पलटा हुआ टैंकर देखा। रमन कुएं के पास आया तो कुएं में देखते ही देखते वो चकित हो गया। सारा कुआं दूध से भरा हुआ था। लगता है टैंकर का सारा दूध कुएं में पास हुआ है। रमन ऐसा सोच ही रहा था कि उसे पीछे से किसी ने आवाज लगाई। रमन ने पीछे देखा, पीछे एक सेठ खड़ा था। मैं मिल्का सेठ हूँ, मिल्का एंड मिल्का कंपनी का मालिक। किसानों से दूध खरीद कर हमारा टैंकर शहर आ रहा था, पलटी हुआ और सारा दूध आपके कुएं में पास हुआ। क्या हम हमारा दूध निकाल लें? बेशक निकालो, कुआं मेरा है पर दूध तो आपका है। फिर क्या, सेठ ने एक टैंकर बुलवाया, कुएं में वाटर पंप डाला गया और कुएं का दूध टैंकर में छोड़ने लगे। 2 मिनट के अंदर टैंकर फुल हो गया, लेकिन कुएं से एक बूंद दूध कम ना हुआ। सेठ के साथ साथ रमन भी चकरा गया। कमाल है, हमारा एक टैंकर दूध था, सारा निकाल लिया फिर भी कुआं हिल नहीं रहा, चक्कर क्या है? आज तक जिंदगी में ऐसा कमाल नहीं देखा। भाई रमन, मैं तुम्हें 100 टैंकर्स के पूरे पैसे दे रहा हूँ और कॉन्ट्रैक्ट भी कर रहा हूँ। रोज 100 टैंकर्स दूध चाहिए, मिल्का एंड मिल्का कंपनी तुम्हारे कुएं का दूध बेचेगी। ये लो 50 टैंकर्स के पूरे 1 करोड़ रुपए। सेठ ने रमन को 1 करोड़ थमाए तो रमन की खुशी आसमान छू गई। पूरे गांव में कुएं की बात फैल गई और सारा गांव कुआं देखने आया। पार्लर वाली भी रूपा को लेकर कुआं देखने आई तो रमन बोला, आंटी रूपा दूध से नहाती थी, अब दूध में डुबकियां लगाएगी। 1 करोड़ पर डे कमा रहा हूँ, अब तो हाँ बोल दीजिए। कल सुबह चाय पर आ जाना, शादी की तारीख निकालनी है। ये सुनकर रूपा शर्माई और रमन भी खुश हो गया। दोपहर को साधु बाबा फिर आए और बोले, कुएं में दूध इसलिए आया क्योंकि टैंकर के दूध का कमंडलू के दूध के साथ मिलाप हुआ, अब ये कुआं कभी खाली नहीं होगा। जो भी हुआ अच्छा हुआ, ऋषि का शाप मेरे लिए वरदान साबित हुआ। इस प्रकार दूध के कुएं से रमन की पूरी जिंदगी ही बदल गई और रमन बड़ा आदमी बन गया।